वेलकम टू नेशनल का पाकिस्तान सीजन 3। इस टेस्टफुल जर्नी में हम आपको लेकर चलेंगे पाकिस्तान के मशहूर और सबसे ज्यादा खाए जाने वाले खानों की दुनिया में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में और एक्सप्लोर करूंगा इस शहर का पसंदीदा नाश्ता, आई वुड से नेशन्स मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट, हलवा पूरी। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज़ एपिसोड विद यमलिशियस हलवा पूरी फ्रॉम कराची टू पेशावर विद मी शेफ सादत। I'm right here and the khushbu of frying halwa puri making me really hungry. Bright sunny morning, typical Karachi ki hustle bustle. This city is on the roll. I'm all set to try my hands on to this mazedar halwa puri. Aur janunga is jagah ki halwa puri ki khaas baat kya hai. To aapko khaas baat kya lagti hai yahan ki puri mein? Yahan bhi puri mein masala jaat bahut achhi hai. Acha. Mat zyada hai kam halke hai? Normal hai lekin क्या होता है। अच्छा, यहाँ की खास बात ये कि चने अनलाइक दूसरी जगह चना बिल्कुल धुला हुआ होता है, चना खड़ा हुआ है, चने बड़े हैं। मुझे पंजाब का फ्लेवर है वो आपको नहीं मिलेगा, उसके चने की अलग मिठास है, पर इसका मसाला बड़ा अच्छा है। और ख़ासतौर पर सब्ज़ी जो आलू की है, इस आलू की सब्ज़ी की खास बात ये है कि इसमें एक हल्की सी खटास है, ख़ासतौर पर कलौंजी जिसकी खुशबू बहुत ही आला है। पर अमेजिंगली जैसा सुना था वैसे ही पाया, बड़ा मज़ेदार टिपिकल नाश्ता हलवा पूरी वाला खाना है, तो अब यहाँ आइए। बेहतरीन। जहाँ का नाश्ता बहुत मशहूर है, ग्वाल मंडी के अंदरून शहर जो कराता है लाहौर का, वहाँ मैं मौजूद हूँ। कहावत है, कहते हैं कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग, लंच लाइक अ प्रिंस और डिनर लाइक अ पॉपर। समथिंग यूनिक अबाउट दिस पूरे इलाके में आपको एक चीज़ मिलेगी जो हलवा पूरी की दुकान पे पूरा अगर माल पूरा इस पर छोटा सा होता है मीठा, यूजली हलवे के साथ मिलता है। आज चल के हलवा पूरी खाते हैं। मैं इस वक्त फैमिली फीस इंजॉय कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट पे। हर शहर के अंदर चने बड़े फ़र्क होते हैं, ये बड़े डार्क कलर के हैं, चिकन छोले ये नहीं है। नहीं, ये चिकन छोले नहीं है, ये बेसिकली हलवा पूरी के चने हैं। खास बात क्या है दुकान की खाने के अंदर? खास बात इसमें ये है कि ये देसी घी से हर चीज़ तैयार होती है, इसमें आर्टिफिशियल चीज़ कोई नहीं है। कोई नहीं। किसने कहा मुझसे कि लाहौर में मिर्चें कम खाई जाती है? इसमें टिक्की में मिर्चें निकलती नहीं है, चने बहुत अच्छे लजीज है, तेजदार हैं। अच्छा, मुझे लगता है कराची से ज़्यादा मिर्चें हैं इसमें। नहीं, कराची में मिर्च ज़्यादा है, इधर कॉम्बिनेशन ज़्यादा है। वो इधर मिर्च के साथ काम करते हैं, इधर टोटल क्वालिटी के साथ काम करते हैं। बट एनीवे सर, बहुत मज़ेदार और चटपटा सब्जी जो इसकी, मैं इसको इन्जॉय कर रहा हूँ। आज चल के देखते हैं पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हलवा पूरी किस तरह से सर्व होती है। क्या खास बात है, ख्वाजा पूरी खाने लोग आ रहे हैं? अल्लाह की करम नवाजी है। अच्छा, ये बताओ मुझे कि क्या खास चीज़ क्या है? लेकिन पूरियाँ तो हर एक ही होती है। बस ये हमारे वालिद की मेहनत भी है और पीरो मुर्शिद की दुआ भी है। आटे के अंदर क्या खासियत ऐसी होती है मेरे भाई? आटा एक घंटे बाद भी खिंचता नहीं है, रबड़ नहीं बनता, क्या वजह है? ये आटा होता है एक नंबर फाइन, एक नंबर फाइन आटा, फाइन आटा होता है। और ये कि हम पेड़ा भी भारी रखते हैं, इस वजह से पूरी अच्छी बनती है। और ये हलवा कितने बनाया है? हलवा तो हम लोग बना लेते हैं, बना लेते हैं। हाँ। तो ये मैं खा सकता हूँ तुम्हारे? हाँ, हाथ का? हाजिर हाजिर। इसकी खास बात ये कि मैं बहुत खाएं तो घी बहता हुआ नहीं है, नहीं और मिठास बड़ी बैलेंस है, बिल्कुल मैं इलायची का बड़ा मजा आ रहा है, वेरी नाइस। अच्छा, क्या मैं वो पूरी और सब्जी खा सकता हूँ? हाजिर सर, ग्रेट, इट्स टाइम टू टेस्ट नाउ। There's something unique. मैं फ्लेवर पिक भी नहीं कर सकता कि रायता भी डाला हुआ है और पूरी ड्राई है, वो ऑयली नहीं है, ग्रीसी नहीं है। वंडरफुल फूड। आज मैं यहाँ पे पिंडी में हूँ, रिफ्रेशमेंट सेंटर की बड़ी तारीफ सुनी हुई थी, सबने कहा था हलवा पूरी खानी है। पूरी की खास बात ये कि काफ़ी देर, देखिए अभी तक रखी हुई है, फ्लैट नहीं हो रही है, इट मीन्स कि वो अंदर से ड्राई होगी, अच्छी बात। चने की सब्ज़ी लुक्स डिफरेंट अमूमन जगहों से, चना बिल्कुल मैश हुआ हुआ है, हल्के से चंक्स हैं, आलू का मसाला डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस, काफ़ी हद तक अमूमन जगहों में एक जैसा होता है, बिल्कुल लोकल अचार है जो अपना बनाया हुआ यहाँ का। यहाँ पर छोटा माल पूरा जिसका जी हलवे के साथ देते हैं।
अमेजिंग, ना बाहर ऑयल ना अंदर ऑयल। ये मुझे मालूम करना पड़ेगा ये क्या फर्क है रेसिपी में। मतलब चने की क्वालिटी जो है ना, जो देसी चना है उसका एक अपना जायका है, और ये आलू की सब्जी मैं एंजॉय करता हूँ, और आप भी आए और जरूर एंजॉय करें इसको। अंदरून पेशावर में हम एक जगह ढूंढ रहे हैं जहाँ पे सुना है कि बड़ी अच्छी हलवा पूड़ी मिलती है, कहते हैं देसी घी में बनाते हैं, कुची बाजार का इलाका है ये। आए हमारे साथ इस हलवा पूड़ी को एंजॉय करें। ओके जी, फाइनली हम हियर। टाइम से देर से पहुँचा हूँ, बंद होते थे, मैंने बस आखिरी चीज़ें मुझे मिल गई हैं। आई एम लकी कि मुझे ये टेस्ट करने को मिल रहा है। कह रहे हैं बहुत रश होता है, बहुत तारीफ सुनी है यहाँ पे। और पूरी की एक बात मैं देखूँ, जब पहले पूरी तोड़े, यूजली पूरी फूली हुई होती है, हल्की होती है, ये हैवी है और खस्ता बहुत है। नॉर्मल पूरी से बिल्कुल डिपेंड है। अब जाते हैं सब्जी की तरफ, इसकी और रोगन के साथ ही सब्जी है। मसाला बिल्कुल जैसा कि आपको, मुझे मेन चीज की खुशबू आ रही है, ज़ीरा बहुत आ रहा है, गर्म मसाला बल्कि मैं कहूँगा, उसकी तेज़ खुशबू है। चने इतने नरम है कि आपको बिल्कुल चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत स्मूथ रखेंगे वो घुल जाएंगे आपके मुंह में। अच्छा, हलवे के लिए इन्होंने यहाँ पे पूरा दिया है, कोई जैसे मालपूरा की तरह कोई छोटी चीज़ है, और ये खमीर का आटा उस तरह का, और ये हलवा। खास बात, तमाम चीज़ें देसी घी में पकी हुई हैं। हलवा भी नॉट बैड, वेरी नाइस। आई थिंक अच्छा खाना आपको ढूंढना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा। पाकिस्तान के हर शहर में इतनी ज़बरदस्त चीज़ें, आई थिंक कोशिश ही करें, निकलें और डिस्कवर करें अपने शहर को, दूसरे शहरों को, और बेहतरीन खानों को डिस्कवर करें। आपके जो पूरी है वो 45 रुपये की एक पूरी है जी सर, बाज़ार में कितने की मिल रही है? बाज़ार में 10 रुपये। 10 रुपये तो बड़ा फ़र्क है, तो फिर भी देते हैं महंगे पैसे? जी सर। क्यों देते हैं? शौक है देसी घी का। जी सर, देसी घी की पूरी का तो लोग वो है पैसे देते हैं। कब से आपने स्टार्ट किया है या किसी और ने स्टार्ट किया? वाले हमारे दादा ने सर। दादा ने? जी, 90 साल हो गए। टेस्ट में फ़र्क आया? किसी ने बताया कि यार अब्बा के ज़माने का? कोई शिकायत नहीं। नहीं, लेकिन वाले साहब ने जो बनाया था मसाला आज तक वैसे का वैसे ही है? वैसे के वैसे। तो तब्दीली नहीं हुई? तब्दीली नहीं हुई। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त हलवा आपका लाजवाब था जी सर। और सब्जी तो मैं कहूँगा कि वो चने दूसरी जगह घुल जाते, ठीक है, आपने चने साबित रखे हुए जी सर। वाला बस सर, बहुत शुक्रिया आपका। हम हैं, ये कहते हैं जगह खाने वालों की है, लाहौर में गवाल मंडी। यहाँ दिन हो या शाम हो या रात हो, आपको ज़बरदस्त चटकारेदार और रिच खाने मिलते हैं। एक ज़बरदस्त कल्चर है यहाँ पे, ख़ासतौर पर इस वक्त जब मैं यहाँ सुबह बैठा हूँ, सिरी पाए, हलवा पूड़ी, बड़ी हैपनिंग साइट है ये। आज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सोचा क्यों ना हम यहाँ पे अपना एक वर्जन नाश्ते का दें। बहुत जगह हमने हलवा पूड़ी खाई है, सब्ज़ी जो हलवा पूड़ी है उसका मेन एलिमेंट है सब्ज़ी, चने की सब्ज़ी बनाएंगे। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और थोड़ा ऑयल डाल के इसमें हम थोड़ी सी प्याज, इस प्याज को थोड़ा सा हम हल्का सा कच्चा पक्का करेंगे। चने की सब्ज़ी में ख़ास चीज़ क्या है, हर इलाके का अपना स्टाइल होता है। जितने छोटे चने होंगे, देसी चने होंगे, उनका अपना फ्लेवर है। जो चने आपको पसंद हो वो यूज़ करें मैं कहूँगा, लेकिन बड़े चनों पर ना जाएँ। साथ ही साथ इसमें एक एलिमेंट है, वो जब डलेगा मैं बताऊँगा, बड़ा सरप्राइजिंग एंड एलिमेंट जो कि इसको हल्का सा ग्रेवी बनाएगा इसकी, वो हम इसमें यूज़ करेंगे। कि प्याज थोड़ी सुनहरी हो जाए, इसमें हम डालेंगे टमाटर, और ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये हर एक की अपनी पसंद होती है, मुझे लगता है टमाटर डालने चाहिए, जैसे फ्लेवर खुलता है, तो वैसे टमाटर ये डाल देते हैं। और साथ ही साथ इसको अभी हम मसाला भूनेंगे, मसाले के लिए हम यूज़ करेंगे नेशनल का अचार गोश्त मसाला। वाह, अचार गोश्त मसाला, मसालों को भी यूज़ कर सकते हैं। अचार गोश्त का फ़ायदा ये कि वो जो आप अचार ही फ्लेवर आएगा, आपको अलग से अचार डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, इट्स अ मस्ट ट्राई। थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे, भूनते वक्त थोड़ा सा दही का इस्तेमाल करेंगे। जब आपका मसाला अच्छी तरह भुन जाए, खुशबू आने लगे, इट मीन्स मसाला पक गया। बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारे कुकिंग का ये। अच्छा, इसमें एक ख़ास एलिमेंट जिसकी बात कर रहा था वो डालनी है, भिगो के रखें
मैंने थोड़ी उबाल के रख ली पार्शियली, आप भिगो के रखें ताकि बड़ी अच्छी तरह गल जाए। माश की दाल एक छोटा सा पोर्शन, इसको बहुत, एक तो जो मसाले में जो आलू चने के साथ जो ग्रेवी बनेगी वो इसमें आपको मिलेगी, बेसिकली हम आलू चने के साथ बना रहे हैं, और एक बहुत छोटा सा पोर्शन माश की दाल का हम इसमें शामिल कर लेंगे। ये आधी से ज़्यादा उबली हुई है ये। फिर हम डालेंगे थोड़े से आलू। अच्छा, आलू हम छिलके समेत यूज़ कर रहे हैं, उसमें अपना मज़ा आता है। आलू डालेंगे इसमें, ओके जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट वो है चने। चने इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ये चने अगेन उबले हुए हैं, अच्छी तरह मिक्स करके स्टर करके इतना इसमें हम पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए, थोड़ी सी ग्रेवी भी तैयार हो जाए। आइडिया ये कि आपकी दाल वाल बिल्कुल घुल जाए इसके अंदर। अच्छा जी, अब मैं ये करूँगा कि इसको रख दूँगा उबलने पर और धीमी आँच पे पकाऊँगा, साथ में बनाएंगे पूरी ताकि इसको सर्व कर सके। तो ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी तैयार है। तो मैं नेचुरल का आयोडाइज सॉल्ट यहाँ यूज़ करता हूँ इसमें। अगेन नमक देख ले अपने हिसाब से डालें। आटा मैंने गूंद के रखा हुआ है, पेड़े बना लिए। आपने क्या करना है कि मैदा, थोड़ा सा नमक, और एक छोटी टिप ये है कि हल्की सूजी डाल दें, एक चाय का चम्मच, अगर आप आधा किलो यूज़ करें तो एक खाने का चम्मच। और उसके बाद आटे को रेस्ट दे दें तकरीबन 15 से 20 मिनट, ताकि आटा सेटल हो जाए। हल्का सा ऑयल लगा के आपने पेड़ों पे रख देना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले लेता हूँ, इसे बेल लेंगे। ऑयल आपको जितना गर्म होगा उतनी आला ये गोल बिल्कुल बलून की तरह फूल जाएंगी। और इसके बाद फिर हम इसको निकालते हैं इन पूड़ियों को। ज़बरदस्त, एक और मैंने बेली भी है। आइडिया कि गिरे और फौरन ऊपर आए, ये ऐसे ऐसे टेम्परेचर ऊपर आ रहा है इसका, और बहुत देर नहीं आपने फ्राई करनी, वरना ये हार्ड हो जाएंगे, ब्राउन ना कीजिएगा इनको। ओके जी, ज़बरदस्त पूड़ियाँ हमारी तैयार हैं, सर्व करेंगे जो हमने सब्ज़ी बनाई उसके साथ। और वैसे तो इसमें अचार गोश्त का मसाला है नेचुरल का, लेकिन मैं यूज़ करूँगा थोड़ा सा अचार, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। ये ग्रेट, ये था आज का शो। उम्मीद है आपको हलवा पूरी पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ बनती हैं, हर स्टाइल की बनती हैं, वो पसंद आई होंगी। आपसे मुलाकात होगी इसी शो पे, क्योंकि आइडिया है कि आपको हम विज़िट कराते हैं पाकिस्तान के शहर और शहरों के बेहतरीन खाने। इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है। आज नेक्स्ट के पाकिस्तान में हम अपने सफर का आगाज कर रहे हैं पेशावर से। आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन पकवान। पेशावर में ढूंढेंगे बेहतरीन काबली पुलाव, कहते हैं कि यहाँ का काबली पुलाव बहुत मशहूर है, वो ढूंढना है। उसके बाद दिखाएंगे पाकिस्तान भर के बेहतरीन पुलाव, बिरयानी, सब कुछ। ट्राई, जबरदस्त।